नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो बिशप हैं और पूर्व डायरेक्टर हैं पीसी सिंह जो हैं उनके निवास पर खड़ा हूं और यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की जो भोपाल की जो ईडी की दो टीमें आई हुई हैं और सुबह से कार्रवाई चल रही है और ये लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। और यहाँ पर मतलब पुलिस देख सकते हैं कि पुलिस बैठी हुई है, पुलिस यहाँ से स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है और 3 से 4 गाड़ियाँ आई हुई हैं भोपाल से और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। अंदर यहाँ पर मतलब किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी बाहरी जो आने जाने वाले हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तो ये ईडी की जो कार्रवाई है ये पिछले जो ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश की जो ईओडब्ल्यू टीम है उन्होंने जो कार्रवाई की थी इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ था और मुख्य रूप से बात आई थी कि जो चर्च की ज़मीनें हैं तो पीसी सिंह ने उन ज़मीनों को मतलब गलत तरीके से भूमाफियाओं को बेच दिया था, उसको लेकर काफ़ी मतलब शिकायतें थी, उस पर कार्रवाई हुई और पता ईडी को जब जो ईओडब्ल्यू को जब पता चला तो ईओडब्ल्यू ने जब छापा मारा तो उसके बाद यहाँ से इनके पास से डॉलर और पॉइंट्स भी बरामद हुए थे और करोड़ों रुपए भी बरामद हुए थे। इसके बाद से लगातार कार्रवाई चल रही थी, फिर इनको जेल हुई, 4 महीने पहले ही इनको जमानत से ये बाहर आए हैं और अब ईडी की टीम ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया है और आज ये जाँच लगातार जारी हो रही चल रही है। तो मैं अब आपको बताऊँगा पीसी सिंह के अलावा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो मैनेजर हैं सुरेश जैकब उनके निवास पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है और उनसे ही पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो मुंबई और नागपुर में है वहाँ पर भी टीमें गई हुई हैं, वहाँ पर भी इनकी जो इनके सहयोगी उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के जो पीसी सिंह थे इन्होंने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ये बिशप बन के गलत तरीके से बिशप बने हुए थे और लगातार ये कार्रवाई कर रहे थे और गलत तरीके से मतलब लोगों को मतलब संस्थानों में प्रवेश देना, उनको उस पर बैठालना और अपने परिवारों को परिवार के लोगों को उच्च पदों पर बैठा कर ये गलत तरीके से मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करना, ये सारा काम इन पर आरोप था और ये काम कर रहे थे। तो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है लगातार जारी है और अभी ये देखना है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि ईडी का ये मतलब इनके बिशप का पहली कार्रवाई है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हैं और देख रहे हैं कि आने वाले दिन समय में मतलब ईडी कहाँ तक ये कार्रवाई कर पाती है। जबलपुर से मंगलेश्वर।